और मैं अक्सर लोगों को ये कहता भी हूँ कि एक मुझे बात बताया ना, एक डॉक्टर है. हाँ. अब ऑब्वियसली उसके घर में जो माहौल है, अगर उसकी माँ भी डॉक्टर है, बाप भी डॉक्टर है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि उनका बच्चा जो है या उनकी बेटी जो है वो एक बड़ी सर्जन बने. ये उस घर में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है. हाँ. तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि बच्चा जो देख रहा होता है वही लर्न कर रहा होता है. बट एनीवे, स्टेज पे अलग अलग कैरेक्टर्स किए. ऑब्वियसली जब आप स्टेज करते हैं तो आपको बहुत कैरेक्टर को अलग तरीके से परसीव करना सिखाया जाता है, अलग तरीके से प्ले करना सिखाया जाता है. तो जब टीवी पे आए, जब सीरियल्स में काम करना शुरू किया, तो क्या वो ट्यूनिंग मौजूद थी या वो ट्यूनिंग चेंज होती चली गई? अच्छा, बड़ा फनी सा एक वाक्य है कि पहला ही ड्रामा था तो स्टेज पे तो आपने 500 लोगों को आवाज देनी है ना. हाँ. इधर तो माइक लगा हुआ है, मैं इतना ऊंचा बोलू, अम्मी मैंने आपको डायरेक्टर के आहिस्ता बोलना था. और फिर ये चीज सीखी मैंने, कुछ चीजें मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है, मूवी थिएटर ड्रामा तीनों डिफरेंट है. आप सीखते हो इन तीनों से, लेकिन है तीनों अलग. एक ये चीज ठीक की मैंने. दूसरा जो चीज ठीक नहीं की, जो मुझे बड़ी मेरी एक्टिंग में भी काम आती है, इम्प्रोवाइजेशन टीवी पे. टीवी के लिए हमने सीखी थिएटर से, क्योंकि वो तो ऐसे है ना कि अगर मैं यहाँ बैठी वैसल से बात कर रही हूँ, यहाँ से बॉल लगी तो आई हैव टू कैच. ये सीखे हमने थिएटर पे. बिल्कुल. इतनी सेंसेस होना जरूरी है कि आपको यहाँ से आ रहा है, वहां से डायलॉग आ रहा है, आपको पकड़ना है. स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट नहीं आपने करना है. आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकती. तो मैं एक जगह बैठ के भी काम नहीं कर सकती. ऐसा नहीं कि अगर सीन की डिमांड नहीं है मैं फिर भी एक ही जगह बैठी रहूं, पर वो जो एक ठहराव वो मैंने सीखा, मुझे टीवी में वो लेकर आना पड़ा, वो आप में नहीं होता थिएटर में. थिएटर इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज पीपल हैव टू सी यू. इतनी पीछे से अगर आप उसको देखें तो जहां जहां आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप इधर हो रहे हो, उधर हो रहे हो, उधर हो रहे हो, देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशन जो आपको बॉडी से भी करने पड़ते हैं. क्या आप अगर परेशान हैं, थोड़े से आप अगर फॉर एग्जांपल परेशान भी हैं, तो आप वो जो बैठा हुआ है आखिरी सीट पे, उसको वो नजर आना चाहिए कि आप परेशान हैं. तो ये चीज भी चेंजेस थे थोड़े, जो हल्की हल्की सी ट्यूनिंग्स हैं. अच्छा, साथ में पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए. सो डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ एक एक स्टिग्मा आपके साथ लग जाता है जब आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, तो एक एक चीज लग जाती है, लोग सोचने लगते हैं कि ये तो ऐसी ही होगी. बहुत सारी हीरोइंस हैं हमारी जिनको जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होता है तो वो कहती हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा इमेज खराब होगा. सो यू जंप्ड इनटू नेगेटिव कैरेक्टर्स. अच्छा, मैंने जब स्टार्ट में की थी तब मुझे ये चीज नहीं पता थी, वही बाय द टाइम आपने सीखी. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पे वो टैग लग जाएगा. अच्छा. मुझे मजा आता था नेगेटिव में. नेगेटिव क्योंकि आपके पास इतना मार्जिन होता है, वैसे आप इतना खेल सकते हैं और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. वेरी ट्रू. आपको जैसे बैठना आप बैठ सकते हैं, आपको जैसे बोलना आप बोल सकते हैं, आप 10 एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं एक डायलॉग में. बिल्कुल. पॉजिटिव में आपको रोना है तो यू जस्ट हैव टू क्राई एंड सिट इन द कॉर्नर. ऐसा नहीं कि मुझे पॉजिटिव पसंद नहीं थे, शायद कितने मैंने मना किए नेगेटिव की वजह से अब. लेकिन इसलिए मना नहीं किए कि मेरे पे टैग लग रहा है. मैंने इसलिए मना किए कि ऑडियंस को मुझे लगता है कि नाजिश किसी और अब अंदाज में नजर आनी चाहिए, कि अच्छा है नाजिश ये भी कर सकती है, नाजिश ने ये वाला कि आप खेलो अपने शेड्स के साथ. तो मैंने इस वजह से फिर मना करना शुरू किए कि अब भी नहीं ना, अब हम इसको थोड़ा पॉजिटिव की साइड पर रखते हैं. अच्छा, जब पॉजिटिव कर लिए फैसल तो बड़ा कम उसका रिस्पॉन्स आया, नहीं नहीं ना आप उसी में अच्छी लगती हैं, आप उसी में अच्छी लगती हैं, जबकि मेरी पर्सनैलिटी के अपोजिट होते हैं सारे करेक्टर्स मैंने अब तक जितने किए हैं. मैं कोई इतनी चुलबुली नहीं हूँ अपनी असल जिंदगी में, मैं कोई इतनी बातूनी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हिलने जुलने वाली बंदी नहीं हूँ. और जितने भी मैंने करेक्टर किए ना वो सारे फुर्तीले करेक्टर्स. मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मेरी नाजिश की ये कोई 10वीं 12वीं या 14वीं मुलाकात होगी. जिम में भी हमारी मुलाकात हुई, आज जिंदगी में पहली दफा इतनी बातचीत हो रही है. सो मैंने कहा मैं ये ऑन एयर बताऊं कि हाँ, वो एक एक लड़की जो है नाजिश जहांगीर, वो एक है अपनी अपनी दुनिया की. और हम जब सेट्स पे भी होते हैं, इत्तेफाक है हम दोनों ने काम नहीं किया, तो कई दफा ये होता है कि आपस में बातचीत भी उस तरह से नहीं होती है. मेरी सेट्स पे खामोश रहती हैं आप या बहुत अपने काम से काम? अच्छा. मैं आपसे ज्यादा, मतलब ये नहीं कि मैं रूड होती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करती. आप आके बात कर लेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगी.
अदरवाइज यहाँ तो मैं अपने फोन में लगी रहूंगी, हमेशा एक किताब मेरे बैग में होती है, मैं वो लगी रहूंगी, या मैं लूडो खेलती रहूंगी फोन पे फोन पे. अच्छा हाँ, अपना सीन पढ़ लिया, सीन से जाने से पहले मैं एक्टर के साथ रीडिंग करती हूँ और मैं कहती हूँ चलाएं. रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.